खबरों का आगाज सबसे पहले बात पंचकुला से, जहां पर 13 जून से पंचकुला में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे वोकेशनल टीचर्स आज सीएम खट्टर और प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के बीच बातचीत न होने से नाराज हो गए, जिसके बाद वोकेशनल टीचर्स सीएम मनोहर लाल की आवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वोकेशनल टीचर्स को चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। आपको बता दें कि वोकेशनल टीचर्स अपनी सैलरी में बढ़ोतरी और प्राइवेट कंपनियों को बाहर कर जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, घेराव के लिए वोकेशनल टीचर्स निकलते हुए नजर आ रहे, दूसरी तस्वीर बैरिकेटिंग पर जब इनको रोक दिया जाता है, और तीसरी तस्वीर है वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जाता है, खदेड़ा जाता है वोकेशनल टीचर्स को। तो अनिश्चितकालीन धरना इनका जारी है, सीएम आवास का घेराव करने के लिए आज वोकेशनल टीचर्स पहुंचते हैं, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनल का इस्तेमाल भी किया जाता है। दरअसल इनकी मांग है सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, और उसी को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उमंग शरण से ताजा अपडेट लेते हैं। उमंग, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहे हैं, क्योंकि वाटर कैनल का इस्तेमाल भी हो गया, रोक भी दिया गया इनको चंडीगढ़ में आने से, अब आगे इनका क्या कुछ फैसला और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए वोकेशनल टीचर जिस तरह से हर बार की लड़ाई लड़ रहे हैं और बार बार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे जो है वो सुने, उन पे बातचीत करे और उनको पूरा करे, इसको लेकर पिछले 20 दिन से लगातार प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। कल भी उनके द्वारा चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास के लिए कूच किया गया था, लेकिन उनके प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया। बाद में उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ 11 बजे की मीटिंग होनी थी, लेकिन वो मीटिंग किन्हीं कारणों के नहीं चलते नहीं हो पाई, जिसको लेकर भी इनकी नाराजगी जो है फूट कर आई है, जिसमें सड़कों पर उतर कर इन्होंने जमकर प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ किया, और आज भी सीएम हाउस के घेराव के लिए इन्होंने कूच किया, लेकिन इन्हें बॉर्डर पर जो है पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर रोक लिया गया, और वहां पर तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने टकराव हुआ उसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हालांकि कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहां से वापस चले गए, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से बातचीत का कोई न्योता जो है वो जल्दी आ सकता है। जी उम्मीद जताई जा रही है उमंग, यानी कि अभी भी वहां पर वोकेशनल टीचर्स डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमंग जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद कोई बातचीत हो पाए, क्योंकि पिछले 13 जून से पंचकुला में अनिश्चितकालीन धरने पर वोकेशनल टीचर्स बैठे हुए हैं।